देश के बहुचर्चित आर्यन खान ड्रग्स प्रकरण में प्रदेश के जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर आर्यन खान को ड्रग्स रैकेट में लिप्त मान लेना ठीक नहीं है। चैट पढ़कर यह कभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि सचमुच वह व्यक्ति ड्रग्स का आदि निकम हुआ है या नहीं। एडवोकेट नागपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। वे शहर के कामले डबल मर्डर प्रकरण में विशेष सरकारी वकील हैं। उन्होंने उक्त प्रकरण में कहा कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच हो रही है। चर्चित मामलों में अक्सर जांच अधिकारियों पर आरोप लगते रहते हैं, इसकी जांच भी जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। इस मामले में अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। मामला राजनेता और अधिकारी के बीच आरोप प्रत्यारोप का है, ऐसे में सभी पक्षों को संयम रखने की जरूरत है। जांच अधिकारी का जांच के बीच में प्रसार माध्यमों से अधिक चर्चा करना ठीक नहीं है। राजनेताओं को भी जनता के मन में जांच अधिकारी के प्रति शक निर्माण करना योग्य नहीं। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को संज्ञान लेने की जरूरत है। व्हाट्सएप चैट हाँ एक प्राथमिक पुरावा है, परंतु व्हाट्सएप चैट हा कंक्लूसिव पुरावा होऊ शकत नाही। गुन्हा साबित करण्याकरता व्हाट्सएप चैटला इतर कोरोबरेटिव एविडन्स पुष्टिदायक पुरावा लागत असतो, तो तपास यंत्रणेला मिळवावा लागेल। तो जर नसेल आणि फक्त व्हॉट्सअप चॅटच्या आधारे जर कोणी गुन्हा केला आहे असं म्हणत असेल, तर मला वाटतं त्याला तपासाचा आणखी देखील प्रयत्न करावे लागतील। परंतु व्हॉट्सअप चॅट हा एक प्राथमिक सकृतदर्शनी पुरावा आहे, परंतु व्हॉट्सअप चॅटला कोरोबरेटिव्ह एव्हिडन्स हा आवश्यक असतो। सर, शेवटचा प्रश्न, सध्या ज्या पद्धतीने यावर राजकारण केलं जातं किंवा ज्या पद्धतीने अधिकारी यावर सामोरीन बोलतात, तुम्हाला वाटतंय असं या गोष्टींचा या तपासावर कुठेतरी परिणाम होईल? याला जरूरच आहे, आणि राजकारण ज्या पद्धतीने चालू आहे अधिकाऱ्यांचं खच्चीकरण होत आहे का? गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये तपास यंत्रणेबाबत जनतेच्या मनात प्रश्न उपस्थित करणं हे साहजिक आणि नैसर्गिक असतं। परंतु हेतुपुरस्कर तपास यंत्रणेतील अधिकाऱ्याबद्दल आरोप करणं हे केव्हाही तपासाच्या दृष्टिकोनातून चांगलं नाही। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।